सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1A लिमिट्स फ्रॉम आर्स अग्रवाल बुक क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36. क्वेश्चन नंबर 35 इज लिमिट ऑफ x इज 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x. हम सबसे पहले इसमें x को अलग अलग करेंगे. लिमिट ऑफ x इज 0 e टू द पावर x, ये माइनस 1 इसके साथ लिखेंगे माइनस 1. अब यहां ये x लिखेंगे ना इनटू ये वाला x, नॉट इनटू माइनस, ये माइनस ये साइन यहां देंगे. अब ये x और ये x, ये मल्टीप्लिकेशन में है दोनों सबके साथ, तो हम अलग अलग लिख सकते हैं इसको. हम इस फ्रैक्शन को ऐसे लिखेंगे. अब ये x और x कैंसिल हो गया, तो लिमिट ऑफ x इज 0. अब लिमिट ऑफ x है और यहां पर x नहीं बचा, तो हम इस पोर्शन को अलग कर देंगे लिमिट ऑफ x से, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है. अब वहां पर x नहीं है, माइनस 1. हमारे पास एक फॉर्मूला है लिमिट ऑफ y इज 0 e टू द पावर y माइनस 1 बाई y. इस कंडीशन में इस पूरे फ्रैक्शन को इक्वल टू 1 लिखते हैं. ओके, तो इसको हम इस पूरे को इक्वल टू 1 लिखेंगे नीचे, ये माइनस 1 इक्वल टू 0. ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 35. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 36 है लिमिट ऑफ x इज 0 e टू द पावर bx माइनस e टू द पावर ax बाय x. सबसे पहले हम इसमें e टू द पावर bx माइनस 1 माइनस e टू द पावर ax प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 इसमें हमने लगाया है बाई x. नीचे जो था वो वैसे ही रहेगा. लिमिट ऑफ x इज 0. अब हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे e टू द पावर bx माइनस 1 माइनस, माइनस कॉमन लिया हमने तो ये प्लस हो जाएगा e टू द पावर ax, और जो प्लस था प्लस 1 वो माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर कॉमन है. ये इसको माइनस को यहां से इंटू करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस को यहां इंटू करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहां पे अभी माइनस लिखा है. नाउ लिमिट ऑफ x इज 0 e, अब फिर से जैसे क्वेश्चन नंबर 35 में x को अलग अलग लिखा था हमने दोनों के साथ, वैसे इसको अलग अलग लिखेंगे e टू द पावर bx माइनस 1 सॉरी माइनस 1 बाय x माइनस e टू द पावर ax माइनस 1 बाय x. e टू द पावर bx माइनस 1 बाय x में हम bx b मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है लिमिट ऑफ y इज 0 e टू द पावर y माइनस 1 बाई y इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन इसमें अगर आप नोटिस करें तो e टू द पावर जो है और यहाँ पे जो है वो दोनों सेम होना चाहिए,
बट इधर अगर आप चेक करेंगे बी एक्स और यहाँ पे सिर्फ एक्स है, तो बराबर करने के लिए हमें यहाँ बी चाहिए। तो अगर डिवाइड करेंगे बी से तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, तब जाके वो बराबर होगा। सिमिलरली यहाँ पे ए एक्स है और यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे ए से डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सी, लिमिट ऑफ एक्स इज जीरो e to the power bx minus 1 by x into b by b, ठीक है। Now अब इसको हम अलग से लिखते हैं, minus limit of x is 0 e to the power ax minus 1 by x into a by a। अब लिमिट ऑफ x नहीं bx लिखेंगे इज जीरो, क्योंकि हमारे इक्वेशन के हिसाब से अब ये bx होगा बाई ये bx हम एक साथ लिखेंगे bx, और इस b को हम बाहर लिखेंगे, बाहर इन द सेंस यहां पे, बिकॉज यहां इसमें x नहीं है तो इसका हमें कोई काम नहीं है। इनसाइड लिमिट, इनसाइड लिमिट सिर्फ हम वही लिखेंगे जिसमें हमें काम है। सिमिलरली इस a को भी हम आउट ऑफ लिमिट लिखेंगे यहां, क्योंकि इसमें x नहीं है। नाउ लिमिट ऑफ ax, अब लिमिट ऑफ ए एक्स होगा जीरो, क्योंकि ये ए एक्स और यहाँ पे भी ए एक्स, तो ए टू द पावर ए एक्स माइनस वन बाई ए एक्स। अब ये हमारा, अगर आप देखें ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इसी फॉर्मूला पे आ गए हैं, तो हम इस पार्ट को भी वन लिखेंगे और इस पार्ट को भी वन लिखेंगे। यहाँ पे b मल्टीप्लाई में है तो b यहाँ मल्टीप्लाई माइनस ये साइन देंगे, फिर यहाँ a मल्टीप्लाई में है a मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो क्या हो जाता है हमारा आंसर b माइनस a, ये हमारा आंसर है। आप देखते रहिए इस वीडियो को, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है क्वेरी है आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें, अदरवाइज न्यू वीडियो की अपडेट आपको नहीं मिल पाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।